बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी इंग्लिश बोलना और सीखना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश के अल्फाज, जिनको सीखकर हम अपनी इंग्लिश को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी वीडियो में जो फर्स्ट पे है वो है, थोड़ा आराम कर लो। ये गेट सम रेस्ट, गेट सम रेस्ट। नेक्स्ट है, क्या आप मुझे सुन सकते हैं, कैन यू हेयर मी। इसके बाद जो सेंटेंस है वो है, क्या तुम बीमार हो, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आर यू सिक, आर यू सिक। मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू। क्या आपको ये याद है, डू यू रिमेंबर इट। मेरे पास वक्त नहीं है, आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम। नेक्स्ट है, तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो, वाई आर यू एंग्री विद मी, वाई आर यू एंग्री विद मी। इसके बाद जो सेंटेंस है वो है, मेरे लिए यही काफ़ी है, तो इसको हम इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे दैट्स इनफ फॉर मी, दैट्स इनफ फॉर मी। क्या आप संजीदा हैं, आर यू सीरियस, आर यू सीरियस। मुझे सोचना पड़ेगा, आई हैव टू थिंक, आई हैव टू थिंक। इसके बाद है, समझो ये हो गया, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कंसिडर इट डन, कंसिडर इट डन। इसके बाद है, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है आपका। टेल मी अबाउट इट, टेल मी अबाउट इट, मुझे इस बारे में बताएं। लेट इट बी, लेट इट बी, जाने दो। कीप इट वेयर यू वॉन्ट, कीप इट वेयर यू वॉन्ट, जहां भी रखना है रख दो। वाई आर यू सो लेजी, वाई आर यू सो लेजी, इतने सुस्त क्यों हो तुम। नेवर लुक बैक, नेवर लुक बैक, पीछे मुड़कर कभी ना देखो। नेक्स्ट है, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, मुझे कोई एतराज़ नहीं। ब्रेकफास्ट इज रेडी, नाश्ता तैयार है। टेल मी, टेल मी, मुझे बताएं। डोंट बी स्केयर्ड, डोंट बी स्केयर्ड, डरो मत। इसके बाद है, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है, डोंट वरी अबाउट मी, डोंट वरी अबाउट मी, मेरे बारे में फिक्र ना करें। डोंट ब्रेक इट, डोंट ब्रेक इट, इसे मत तोड़ो। डोंट बी एंग्री, डोंट बी एंग्री, गुस्सा मत करो। नेक्स्ट है, डोंट ट्रबल मी, डोंट ट्रबल मी, मुझे परेशान ना करो। कैन आई यूज़ योर फोन, कैन आई यूज़ योर फोन, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकती हूँ, या क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसके बाद है, समझो ये हो गया, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कंसिडर इट डन, कंसिडर इट डन। वापस जाओ, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे गो बैक,
गो बैक। नेक्स्ट है मुझे मजबूर मत करो, मुझे मजबूर मत करो, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट फोर्स मी, डोंट फोर्स मी। होप कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।